our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, मेरा नाम पिंटू सिंह यादव है और आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज लाइव। दोस्तों, जिस तरीके से 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी कमर कसनी शुरू कर दी है, तो वहीं इंडिया अलायंस भी लगातार मीटिंग कर रहा है और सीट बंटवारों के साथ अब चुनावी मैदान में उतरने की तैयारी भी कर रहा है। इस कड़ी में उत्तर प्रदेश सबसे ज्यादा चर्चा वाला राज्य है और वहां की 80 सीटों को लेकर लगातार बातें हो रही है और इस कड़ी में कई सारी ऐसी सीटें हैं जिसकी चर्चा अभी से होनी शुरू हो गई है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर मैं उत्तर प्रदेश की राजनीति और लोकसभा में कहूँ बात अगर, तो एक गाजीपुर सीट है जहाँ पर लगातार सुर्खियां बनती है और गाजीपुर से फिलहाल बहुजन समाज पार्टी के सांसद अफजाल अंसारी हैं। अफजाल अंसारी गैंगस्टर के मामले में सजा काट चुके हैं, हालांकि उनको जेल भी हुआ था, जेल से बाहर भी आए और उनकी कुर्सी भी बच गई है। लेकिन सवाल ये है कि आखिरकार वो 2024 लोकसभा चुनाव लड़ेंगे और लड़ेंगे तो किस पार्टी से लड़ेंगे? क्या बहुजन समाज पार्टी के चुनावी टिकट पर लड़ेंगे या फिर समाजवादी पार्टी टिकट जो है वो देने वाली है? कई तरीके के सवाल हैं, तो आज के पूरे वीडियोज में आपको मैं बताने वाला हूँ कि आखिरकार अफजाल अंसारी जो हैं वो किस पार्टी से चुनाव लड़ सकते हैं। जी हाँ, बात करें तो तमाम एक मीडिया खबरों के मुताबिक अगर मैं बात करूं तो अखिलेश यादव जो हैं वो तमाम सीटों को लेकर अपने प्रतिनिधि को जो नाम है वो सजेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं और इशारों ही इशारों में बता रहे हैं कि भैया ये यहाँ से चुनावी मैदान में उतर सकता है। तो खुद की कन्नौज सीट जो है उन्होंने चुना है। इसके अलावा शिवपाल सिंह यादव की बात करें तो आजमगढ़ से, तो वहीं मैनपुरी से जो डिम्पल यादव हैं वो चुनावी मैदान में एक बार फिर से उतर सकते हैं। तो वहीं बदायूं से धर्मेंद्र यादव और फिरोजाबाद से जो अक्षय प्रताप नाम है उनका, वो चुनावी मैदान में उतर सकते हैं। तो वहीं माना ये जा रहा है कि गाजीपुर लोकसभा सीट से अफजाल अंसारी को समाजवादी पार्टी टिकट दे सकती है, यानी कि अखिलेश यादव की पार्टी से कोई और नहीं बल्कि अफजाल अंसारी ही चुनावी मैदान में उतर सकते हैं, क्योंकि वहां पर उनकी छवि जो है वो काफी साफ सुथरी है और फिलहाल जेल जाने के बावजूद भी वो बाहर आ चुके हैं, उनकी सदस्यता भी बहाल हो गई है। तो इसको भी लेकर वो कहीं ना कहीं एक बड़ा वहां पर मसला है जिसको लेकर वो एक साफ छवि के तौर पर लोगों के सामने पेश कर सकते हैं और वहां पर जो मुस्लिम का समीकरण है वो भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वहां पर अफजाल अंसारी चुनावी मैदान में उतर सकते हैं और वहां पर चुनाव जीतने की संभावनाएं भी प्रबल ज्यादा मानी जा रही है। बाकी आपको क्या लगता है, क्या समाजवादी पार्टी अफजाल अंसारी को टिकट देने वाली है? लेकिन खबर के मुताबिक ऐसी जानकारी निकलकर सामने आ रही है, बाकी इस पर अपनी राय बताइएगा। धन्यवाद।